मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज है 14 नवंबर। सबसे पहले आज सभी बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा मानू बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो मानू रेडी हो गई, हो रही है स्कूल के लिए। और आज मानू जा रही है पिकनिक। हाँ, तो आज 14 नवंबर है, तो इनकी मैम इन्हें पिकनिक ले जा रही है म्यूजियम और अटल पार्क। मेरे को तो म्यूजियम। तो मानो बहुत खुश है जाने के लिए। तो बहुत बच्चों को इनकी मम्मी लोगों ने नहीं भी जाने दिया। जाने देना चाहिए, मैम अपनी रिस्पांसिबिलिटी पे ले जा रही है। जो बच्चों को जाने देना चाहिए, थोड़ा बहुत इंजॉय भी करने देना चाहिए। तो मेरी मानू भी जा रही है, बहुत हैप्पी है मानू। कब से मतलब मम्मी जाने देना, सब बच्चों की मम्मा मना कर रही थी। उन बच्चों का फेस उतर गया था, ऐसे बता रही है। तो मानू को, मान इन लोगों को आज पूरा जंक फूड फास्ट फूड जो भी ले जाना है मैडम का लेके आ जाना आज। अदरवाइज तो इनके स्कूल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, सिवाय सब्जी रोटी इडली डोसा के। बाकी कुछ भी, पास्ता मैगी और ये सब चीज़ें, अलाए बत्तू चीज़ें मना कर देते हैं। मैम बोल रही है कुछ भी ला सकते हो, बर्गर, ये पिज्जा, चाउमीन, वो मैगी और वो क्या बोल, हाँ पास्ता, ये सब कुछ ले जा सकते हैं, चिप्स भी। कल हम बाहर गए थे तो थक गए थे, बाप रे बाप, बहुत थक गए थे हम लोग। तो अब मैं मानू को रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मेरी मानू क्या क्या ले जा रही है। देन उसके बाद मुझे भी गर्म पानी पीना है। चलिए दोस्तों, मानू को करते हैं रेडी। अच्छा, उल्टा लग रहा है, लेकिन मम्मा ने मेरे को ऐसे नहीं पहनाती कभी भी। ओरियो और पॉपकॉर्न, पास्ता और ये संतरे, ऑरेंज और संतरे जो भी बोल सकते हो, ये बिस्किट और ये वही आती है ना ऐसे चॉकलेट। तो अब है मानू के बादाम खाने की बारी। तो ये भीगे हुए बादाम है, तो चार पांच बादाम मैं मानू को खिला रही हूँ। तो अब मैडम जी जाने वाली हैं, अभी करेंगे सबको बाय। मानू शूज पहनो, पीछे जो आवाज आ रही है, जो साउंड आ रहा है, आवाज साउंड एक ही चीज है। जब कैमरा सामने होता है ना तो समझ में नहीं आता मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा। तो पीछे से जो आवाज आ रही है वो आ रही है मेरी वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन चल रही है तो उसी का शोर हो रहा है बेकार सा। सुबह सुबह चल जाती है मेरी वॉशिंग मशीन, रात को हम कपड़े भर देते हैं जो भी धोने होते हैं, और सुबह करीब 6 बजे मेरी वॉशिंग मशीन चल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी रावत जी भी तैयार है, गुड मॉर्निंग कहेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मानू का पिकनिक है, स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ मानू को। स्कूल नहीं, बस। तो चलें अभी टाइम है। तो मानू के पापा घर जा रहे हैं मानू को छोड़ने के लिए। चलो बाय, 2 बजे आ जाएगी मानू घर। चलो ठीक है, मैडम ने ट्रैक सूट बोला है। अरे वो लोग छोड़ना जा रहे। तो मायरा की बस वो आगे आती दिखेगा नहीं। और यहाँ पे भी देखिए प्लांट लगाए मेरे राहुल ने विंडो में, ये देखिए सब प्लांट लगा रखे हैं। तो ये बच्चे शायद दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। ये अपने बच्चे को हीरो बनाया, मेरा हीरो जीरो बन के आया। ये देखो, दिखाओ मानू। अरे नहीं मम्मा, ट्रैक सूट में गर्मी लग रही थी, मैंने ऐसे खोल दिया। कैसा लग रहा है मानू? खुला अच्छा लग रहा है, बंद अच्छा लग रहा था? खुला। हाँ ना। अरे पापा, ये पिकेट कहाँ से लाए? बैग भी लाइए बेटा, खाली वो बोतल ही लेकर आइए। बैग भी लाइए। ये देखो। अरे राम मामा, इनको इधर पे लगा देते, कहाँ लगा दिए? अरे मम्मा न्यू बन रहा है। पता नहीं क्यों लगा रहे यार, मुझे तो खुला खुला इतना प्यारा लग रहा है, क्या बताऊं यार जी। चल रही है इन लोगों की अभी भी, देखिए
ये देखिए, अब इतना हिस्सा ये लोग रात को करेंगे। टेढ़े मेढ़े ये लकड़ियाँ ना जो ज़मीन में डालने से ये सड़ गई हैं, तो इतना हिस्सा बाद में करेंगे क्योंकि उनको जाना है कहीं कहीं क्या ड्यूटी जाना है, तो अब रात को बनेगा बाकी का ब्लॉग। हेलो दोस्तों, देखो साहब जी आ गए हैं। हेलो कर दो। हेलो। वैसे तो सुबह कर दिया शायद इन्होंने, खाना खाने की तैयारी करते हैं। येलो येलो, हाँ येलो येलो, मेरी मानू का भी इस कलर का है। ठंड होने लग गई है यहाँ पे, काफी ठंडा हो रहा है और हमारा नीचे का क्वार्टर है ना, तो और ठंडा लग रहा है हमें। और खाना खाने की तैयारी हो रही, मैं लंच नहीं कर रही हूँ, रावत जी करेंगे लंच। चावल वावल बनाया तो मैं नहीं खा रही हूँ, तो आजकल मैं चावल छोड़ने की तैयारी कर रही हूँ। राहुल भी नहीं खा रहा, मानू स्कूल से आई नहीं है तो ये खा रहे हैं क्योंकि ये फिर रेस्ट करेंगे। ये देखिए क्या है, बताओ। दाल चावल पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी आने वाली, फूल गोभी आने वाली, मस्त मस्त पत्ता गोभी। गोभी गोभी इनको इतनी पसंद है ना, क्या बताऊँ मैं। लेकिन मुझे जाड़ों में आलू मटर और हरा साग मेथी ये सब कुछ पसंद आता है, राई सरसों ये सब पसंद आता है। और ये देखिए पीछे फैला हुआ है, मैं कपड़े लगा रही हूँ, तय कर रही हूँ कपड़े फोल्ड करते हुए, तो खाते हैं। अच्छा पहले इनका देख लो। हाँ गोभी की सब्जी में तो यम्मी, चाहे फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी। अरे है भाई बवा, सच में। तो मैं फोल्ड कर लेती हूँ और आपसे मैं थोड़ी देर में मिलूंगी। पता नहीं ब्लॉग बन नहीं रहा, मन भी नहीं कर रहा है, तबीयत भी सही नहीं रहती है। अब लिपस्टिक लगा ली है कोई बात नहीं, बट तबीयत सही नहीं रहती है। 24 घंटा तबीयत का क्या रोना रो, उतना भयानक शक्ल दिखाओ तो मन नहीं करता कसम से। ऐसा लगा वाईटी से रेस्ट चाहिए मुझे कम से कम एक महीने का। एक महीने का अगर मैं रेस्ट लेने लगी तो मेरा तो वाईटी डूब जाएगा अच्छे से, क्या बताऊँ यार। बिल्कुल भी मतलब बोरिंग होने लग गया, वोमिट होती ना वोमिट, वो होने लग गई मुझे तो वाईटी के नाम से। तो चलिए मैं फटाफट काम करती हूँ, वाटी वाली चुगली कर देंगे। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये रहा मानू का चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट, पापा ने दिया है, इनको यही पसंद है भैया। कैसा है मानू? राखी पे भी यही दिया था ना पापा ने। थैंक यू। कौन बोलेगा थैंक यू मम्मी पापा को? थैंक यू मम्मा पापा। मैं पहले जेम्स खाऊंगी। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 3 hours later। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम हो रही, शाम क्या हो रही, शाम के हो गए 6:30 और मैं बना रही हूँ स्नैक और चाय, क्योंकि बना रही हूँ स्नैक में मैं मानू के लिए आलू के चिप्स टाइप के पकोड़े। और हाय ऐसे देखने में अजीब लग रहा, कितना मोटापा हो गया, कोई नहीं मैं कम कर लूँगी। तो देखिए, और उधर बन रही है मेरी चाय, तो देखिए इस मिक्सी ने इतना दुखी कर दिया। मुझे चटनी बनानी थी, हरी चटनी, अब कैसे बनाऊँ मैं हरी चटनी, और हर 2 दिन में ख़राब हो जाती है यार। अब इसको रिटायर ही कर देती हूँ मैं परमानेंट। और मेरी मिर्ची के पकौड़े, अभी एक स्लॉट और है, और एक ये मान के हो गए हैं आलू के। ले मानू, तो ये कढ़ाई लेकर आए, मैं लास्ट छोड़ के आई थी क्योंकि मैं मानू को पढ़ाने आई, लास्ट में मानू भी भाग गई यहाँ से पकोड़े लेकर। ये देखो भी छोड़ दी रहे तुमने, थाली पता नहीं कहाँ उड़ गई। इसकी खाल लूच दिए। यही कहते हैं ना, और क्या आप करे तो जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ रिटन इन वर्ड्स। कौन सा वाला? देखो पहले पढ़ना सीखो। वर्ड्स वर्ड्स ईच ईच ऑफ ऑफ देन देन यूजिंग यूजिंग नंबर्स नंबर। तो इसका क्या है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या है ये, फ्रैक्शंस इन वर्ड ईच ऑफ देन यूजिंग नंबर। ठीक है, उनको नंबर में लिखना है। जैसे क्या लिखा है, 4 नंबर ए है। ओ मम्मा मैं समझ गई, आप ये नंबर लिखोगे तो मैं इसको ऐसे जैसे कि 4 by 1 ऐसे करके ना 3 by 10 1
6 तू क्यों भागा? नहीं मम्मा, उसको जाने दो, बदबू फैला दे। इधर आ, ये मानू को देखो, मानू कितनी लड़ाई होती है ना राहुल से। मानू एक बार आने तो दे। मानू आने दे मामा को एक बार। एक काम करने मानू बैठ जा। हमारे घर में रोज आती है, राहुल इसको फंसाने की इसमें कर रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ तक आ गई हो, पहले देखकर भाग जाती थी। ये दूध का बर्तन ही ना आंगन से लाते 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 रूम तक ला गया है राहुल। अब ये देखो दूध पी रही है, लेकिन राहुल को कल 3 पंजे मार दिए थे। राहुल ने पकड़ने की कोशिश करी थी, उसने 3 पंजे मार दिए थे। अभी क्या करती है, रोज आती है और जब बर्तन खाली मिलता है तो आवाज लगाती है। इसका नाम रखा है मानू ने मीनू। मीनू, ये मीनू रोज इसी टाइम आती है दूध पीने के लिए, बट ये किसी को टच नहीं करने देती, डरती है, पंजे मारती है ये और दूध पी के चली जाएगी। तो दोस्तों आज के इसी वीडियो के साथ मैं करती हूँ आज के व्लॉग का अंत। तो मिलेंगे हम आपको कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।